तो दोस्तों, आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है, क्योंकि भारत की मीटिंग को रोकने वाले भारत की मीटिंग को रोकते रह गए, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की मीटिंग के समर्थन में उतर आया है। दरअसल आप सभी को तो पता ही है कि 22 से 24 मई को कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग का विरोध किया जा रहा है, और G20 के मेंबरों से पाकिस्तान यह गुहार लगा रहा है कि भारत की इस मीटिंग को G20 के मेंबर अटेंड ना करें, क्योंकि जहां पर यानी जम्मू कश्मीर में भारत के द्वारा G20 की मीटिंग कराई जा रही है, यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित एरिया है। परंतु पाकिस्तान की अब सारी मेहनत बेकार हो चुकी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने न सिर्फ भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जो आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, उसका भी समर्थन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से किया जा रहा है। और इसके ऊपर आप सभी बाकायदा आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने न सिर्फ भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन किया, बल्कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उन सारे दावों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने खारिज कर दिया है, और भारत जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारत की G20 की जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर में होगी, और इसमें G20 के सारे सदस्य भी शामिल होंगे। फिलहाल में भारत को जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग को लेकर जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिला है, इसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।